दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़ी खबर है, अगर आप भी मध्य प्रदेश में अस्थायी तौर पर काम करते हैं, किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं, तो आपको यह खबर पूरी देख लेनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को परमानेंट करने संबंधी एक पॉलिसी जारी की है, जिस पॉलिसी के अंतर्गत पहला स्टेप में इस वर्ग के कर्मचारी को नियमितीकरण का लाभ दिया गया है। बैठक संपन्न हुई थी और इस बैठक में मंत्रिपरिषद के द्वारा यहां पर फैसला लिया गया है। अगर आप भी इस कैडर के कर्मचारी हैं तो आपको नियमितीकरण सहित अनुकंपा नियुक्तियों का लाभ दिया जाएगा। जल्द ही अन्य विभागों के अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की बात भी सामने आई है। आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश सभी कर्मचारी परमानेंट होंगे। अस्थायी कर्मचारियों को लेकर ये बड़ा अपडेट है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज रेगुलराइजेशन ऑर्डर पूरा हुआ, संविदा कर्मचारियों का सपना अब हो गया परमानेंट करने का आदेश खुद राज्य सरकार ने ऐलान कर दिया है। पहला स्टेप किन कर्मचारियों के लिए, जो अस्थायी कैडर के हैं, उनके लिए यह आदेश जारी किया गया है और पूरा अपडेट आपको यहां पर दिखाएंगे। राज्य सरकार ने क्या कहा है और आदेश जो जारी हुआ है उसमें क्या किए गए हैं, क्या लाभ देने संबंधी यहाँ पर ऐलान किए गए हैं। भोपाल से अपडेट है, प्रदेश के भी नियमित कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल प्रदेश सरकार ने सभी सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने का एक बड़ा फैसला लिया है। तो आप समझ ही गए होंगे, पहला स्टेप सफाई कर्मचारियों के लिए लिया गया है। राज्य सरकार के आदेश के तहत भी नियमित सफाई कामगारों को सफाई कामगार के उपलब्ध रिक्त पदों पर वरीयता के आधार पर स्थायी किया जाएगा। नगरीय निकायों में कार्यरत समस्त दैनिक वेतन भोगी जो वर्ष 2007 से 2016 तक कार्यरत हैं और उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार बेनियमित किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से 15,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों को विनियमितीकरण का लाभ मिलने जा रहा है। दरअसल 7 अगस्त 2024 को बुधवार को मंत्रालय में राज्य सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई थी। इस बैठक में सभी नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई भी उपस्थित रहे। बैठक में क्या फैसला लिया गया हुआ है आपको यहां पर देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज रेगुलराइजेशन ऑर्डर, इस बैठक में फैसला लिया गया कि मृत कर्मचारी अथवा स्वास्थ्य कारणों से जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके परिवारों को नियमों में संशोधन कर एक परिजन को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इसका लाभ मृतक भी नियमित कर्मचारियों के परिजनों को भी मिलेगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि नगरीय निकायों में सफाई से संबंधित उपकरण और वाहन सफाई कामगारों के समूहों को भी दिए जाएंगे। साथ ही सफाई कामगारों के पदों को बढ़ाने पर विचार करने के लिए विभाग के द्वारा एक प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिपरिषद की बैठक में रखा जाएगा। राज्य सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष करोसिया ने बताया है कि इन निर्णयों से सफाई मित्रों के परिवारों का समग्र विकास होगा। ये अब तक का बड़ा और इम्पोर्टेंट अपडेट है। लगातार प्रदेश की मोहन यादव सरकार से अस्थायी कर्मचारी अलग अलग विभागों के मांग कर रहे हैं। पहला स्टेप सफाई कर्मचारियों के लिए यहां पर है और यह एक आने वाले समय में मिसाल बनेगा अन्य विभागों के लिए। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है। निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। धन्यवाद।